बिहार BSPHCL में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसका सिलेबस कहाँ से कवर करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। यहाँ पे मेरे सामने ये सारी बुक्स भी रखी हुई हैं और क्या चीज़ कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी मैंने पहले काफ़ी डिटेल में सोच रखा है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेज में जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कॉमर्स में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप मेरे साथ बने रहें, निश्चित ही आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेबस में है वो है कंपनी अकाउंट। देखिए कंपनी अकाउंट बेसिकली 3 जगह हम लोग पढ़ सकते हैं, तो क्लास 12th की जो अकाउंट्स है हमारी वहाँ से पढ़ सकते हैं, ग्रेजुएशन में कॉरपोरेट अकाउंटिंग से पढ़ सकते हैं, या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुएशन में चलता है, इतनी जगह से हम कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो मैं कोई झूठ बोलने वाला यूट्यूबर नहीं हूँ कि आपको उसमें रखूँगा, लेकिन बहुत कम संभावनाएं हैं कि फिर आप इसको क्लियर कर पाएँ। हाँ, जिन्होंने पढ़ा है थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वही लोग कवर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं कि इतनी मोटी मोटी वो जो बुक्स आपको अभी मैंने दिखाई हैं इन सभी बुक्स को हम एक बार में कवर कर लें, तो अब इसलिए हमारे पास टाइम लिमिटेड है, कर कह सकते हैं सबसे कम टाइम है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी आपको नहीं आती हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि क्लास 12th की जो अकाउंट्स की बुक है उसके NCERT को उठाएं और उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं उन बेसिक पार्ट्स को, थ्योरी पार्ट को हम कवर कर लें और MCQ क्वेश्चन से कवर कर लें, तो कंपनी अकाउंट कंप्लीट हो जाएगी। अगर वहाँ से भी हम नहीं कर सकते हैं तो अगर मेरे पास टाइम है, हमें आता है, हम टाइम दे सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन ना मिस हो, तो उसके लिए फिर हमें जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है जैसे JR मुंगा सर की है इसमें उठाना पड़ेगा। ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है क्योंकि इसमें थ्योरी भी पूरा है, न्यूमेरिकल पार्ट का भी पूरा है, तो कहीं से भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कुछ पार्ट आपको कंपनी अकाउंट के मिलेंगे जो सिर्फ थ्योरी ओरिएंटेड होंगे। मेरे हिसाब से आप या तो क्लास 12th की NCERT के हिसाब से जाइए या कॉरपोरेट अकाउंटिंग के हिसाब इसके साथ जाइए, समय कम है तो क्लास 12th NCERT समय पर्याप्त है, आप कर सकते हैं, तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग एक बात में क्लियर। इसके बाद है आपका ऑडिटिंग। देखिए ऑडिटिंग क्लास 11th 12th में नहीं होता है, ग्रेजुएशन में होता है, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड यानी ठीक ठाक राइटर की ऑडिटिंग की बुक उठाइए। थ्योरी पार्ट के जो लिमिटेड पार्ट है पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पढ़िए। पीछे हुए दिए क्वेश्चन से बुक में हर जगह रहते हैं, आप क्वेश्चन से खुद सीधे आंसर देने की कोशिश कीजिए, MCQ हैं तो बहुत अच्छे वहाँ से हो जाएगा, और कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन बहुत वेस्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ सबसे बड़ी समस्या एक न्यूमेरिकल पार्ट भी है। तो क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज़ है वहाँ पर फाइनेंशियल सॉरी मैनेजमेंट पार्ट है, स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहाँ से हमें थोड़ा कवर कर लेना चाहिए। और लेकिन वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिलेबस अगर दिया है, कोई सब्जेक्ट दिया है, तो उसका शॉर्टकट नहीं होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पूरी बुक पड़ी हुई है, जो इसके पूरे सिलेबस दिए हुए हैं, ये आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी फिर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। थ्योरी में क्यों बोल रहा हूँ, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों हैं, न्यूमेरिकल का टाइम नहीं है, न्यूमेरिकल से हार्डली क्वेश्चन आएंगे तो एक या दो आएंगे, तो हम लोग टाइम के हिसाब से इतनी चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन की बुक उठानी है मेरे पास जो है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सबसे फेमस बुक है वो डॉक्टर RP रस्तगी की है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर रहे, उनकी सर की बुक है। इसके बाद है टैक्सेशन। तो देखिए टैक्स कहीं पे भी आप पढ़े हो ग्रेजुएशन में ही मिलेगा, आपको 11th 12th में नहीं मिलेगा, तो अगेन ग्रेजुएशन में टैक्सेशन हर एक यूनिवर्सिटी में है। और अभी क्या हुआ कि 2017 के बाद से इनडायरेक्ट टैक्स में GST का मेन रोल हो गया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं कि बाकी इनडायरेक्ट टैक्स समाप्त हो चुके हैं। तो जैसे अभी GST की एक जो नॉर्मल बुक है किसी भी यूनिवर्सिटी में चल रही है, ज़्यादा मोटी नहीं है और इसके ज़्यादा वो भी नहीं, देखिए मैं इसको पढ़ता रहता हूँ, तो इसमें आप देख पाएंगे कि कुछ जगह ये हाईलाइट हुआ है, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो लिमिटेड पॉइंट है जो MCQ बेस्ड है, जैसे GST में क्वेश्चंस आएंगे तो क्या आएंगे, GST इनडायरेक्ट टैक्स है तो पूछ सकता है कि क्वेश्चंस की इसकी लिमिट क्या है, या पूछ लेगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, तो ये स्टेट्स की कैटेगरी जैसे बनती हैं, स्पेशल स्टेट्स में ए पार्ट बी पार्ट है, तो इस तरीके के MCQ क्वेश्चन बनेंगे। तो हाँ, और इनकम टैक्स का भी अगेन कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के साथ एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनकम टैक्स की बुक अगर आप पढ़े हैं या अभी आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसका जो थ्योरी पार्ट है ना वो कम है, आपको देख के लगेगा कि बुक बहुत मोटी है, बहुत चीज़ें रटी हैं, नहीं, इनकम टैक्स के कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं जिनको लेके ज़्यादा आता है, या ये पूछा जाता है कि
पर्टिकुलर इनकम ये दी हुई है ये एग्जेम्प्टेड होगी या नहीं। और विशेष तौर से तीन एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इनकम टैक्स के। एक तो जैसे एग्रीकल्चर इनकम का पूछ लेता है कि कई बार कुछ चीज़ें देगा एग्रीकल्चर इनकम में है नहीं। दूसरा चीज़ वो पूछ लेगा कि सर्टेन जैसे 80C पूछ लेगा क्या है, 80D क्या है, तो 80D जैसे मेडिसिन से रिलेटेड है तो उसमें कितना डिडक्शन है ये पूछ लेगा। और तीसरा कई बार रिटायरमेंट ग्रेचुटी इन सब चीज़ों को लेके पूछता है कि कितना एग्जेम्प्टेड होगा कितना नहीं होगा। तो इनकम टैक्स के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। और अगेन आपको इसको पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन की बुक और वहाँ से उसके पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस कवर हो रहा है वो सबसे आसान है। सबसे बड़ा सिलेबस क्या कवर हो रहा है? बैलेंस शीट पूछ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ध्यान दीजिएगा, पीएल अकाउंट ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं बोल रहा है। तो पीएल अकाउंट ये बोल रहा है, इसका मतलब मैं समझ के चल रहा हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अकाउंट दोनों कवर होंगे। और अकाउंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम पूछ रहा है, और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी से आपकी कवर हो जाएंगी। एनसीईआरटी में असली बोल रहा हूँ कि डीके गोयल और बाकी सब चीज़ें, लेकिन बहुत डिटेल में दी हुई हैं। एनसीईआरटी में शॉर्ट में दी हुई हैं, आपके पास समय कम है। एनसीईआरटी की बुक आप जो है मुश्किल से 3 से 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं पूरी की पूरी। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक जो है ये आपका कवर हो जाएगा। मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 40-50% सिलेबस यही है। इसके बाद अगर 11th की एनसीईआरटी कर लेंगे सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन पार्टनरशिप के लिए आपको एक बार क्लास 12th की एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। इसके लिए एनसीईआरटी सफिशियंट है, इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पार्ट है कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो देखिए, कॉस्टिंग और कॉस्ट एनालिसिस हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी में आएगा। और कॉस्ट अकाउंटेंसी अगेन बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो भी हम उठाएंगे, तो जैसे यहाँ पे सिलेबस दिया होगा, यहाँ पे कॉस्टिंग और कॉस्ट एनालिसिस दिया होगा, तो इसके कुछ लिमिटेड पार्ट, कुछ लिमिटेड सिलेबस ही हम देख लेंगे। कि जैसे कॉस्टिंग और कॉस्ट एनालिसिस में कई जगह देख लेंगे कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है, तो एक तो ये हम देख सकते हैं। उसके बाद जैसे वेरिएबल ओवरहेड, ये सारी चीज़ें कुछ लिमिटेड टॉपिक, पूरी कॉस्ट अकाउंटेंसी हमको नहीं देखनी है। तो इतनी चीज़ें हम कर लेंगे तो हो जाएगा। तो अभी मैंने सारी बुक्स और मतलब आपको सोर्सेज बता दिए हैं। बुक आप पूछोगे कि किस कंपनी, किसके लिए कौन सी बुक लें पर्टिकुलर, देखो भाई ज़्यादातर बिहार के बच्चे होंगे, बिहार में कौन सी बुक रिकमेंड हो रही हैं वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपके पास, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, कहीं पे भी कोई भी होगा, तो एक बेसिक बुक वहाँ पे होगी। और जो भी बेसिक बुक्स होती हैं उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस के हिसाब से जो डेटा रहेगा वो सही रहेगा। तो बुक कौन सी ये मैटर नहीं करता है, आपको जो भी कंटेंट है वो पूरे मिल जाएंगे। तो फिर से एक बार मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, कंपनी अकाउंट के लिए सबसे बेस्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। अगर नहीं मिलती है तो क्लास 12 से कंपनी अकाउंट कर लो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी अकाउंट कर लो। ऑडिट के लिए आपको ग्रेजुएशन की कोई बुक उठानी पड़ेगी, वहाँ से आपको ऑडिट का थ्योरी पार्ट करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए सेम, आप पूरा कवर करना है तो ग्रेजुएशन की बुक उठा के उसको थ्योरी पार्ट कवर कर लो। नहीं तो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में दिया है, लेकिन वो बहुत थोड़ा दिया हुआ है, उससे शायद सारी चीज़ें कवर ना हो। टैक्स है, टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिर टैक्स के लिए भी आपको ग्रेजुएशन की बुक उठानी पड़ेगी। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन के जो थ्योरी पार्ट हैं उसको देख के करना पड़ेगा। पांचवा है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। 90% सिलेबस क्लास 11th की अकाउंट्स की बुक से हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस। ग्रेजुएशन की कॉस्ट की कोई भी आप बुक ले सकते हो। मेरे पास कौन कौन सी हैं? तो मेरे पास क्लास 11th 12th की जो भी बुक्स हैं, चाहे बिजनेस की हो चाहे उसकी अकाउंट्स की, मैं एनसीईआरटी पे प्रेफर करता हूँ। कॉरपोरेट अकाउंटिंग के लिए मेरे पास जेआर मुंगा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आरपी रुस्तगी, इनकम टैक्स गिरीश आहूजा, जीएसटी की मेरे पास अब्दुल करीम आर के त्यागी। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, मैं इसको भेजूंगा वहाँ पे कि कुछ सुधार हो जाए। और उसके बाद कॉस्टिंग के लिए मेरे पास एस एन महेश्वरी, एस एन मित्तल है। तो इतनी चीज़ें हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में डाउट अपने कमेंट कर दीजिए। अब लोग कह रहे हैं सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बुक्स पढ़ने के बाद आपको BSPHCL के नाम से अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कैसे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करनी है, वो मैं, अगर ये वीडियो सही चलेगी, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, आप लोग पूछोगे, तो उसके लिए मैं अलग बना दूंगा। बाकी अगर वीडियो को छोटा रखने की कोशिश की, अगर ठीक लगे तो आप अपने और जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच।